Yes, a very good morning to all of you. So as I was telling you yesterday that better to attend your classes for all the subjects. Otherwise, when you will sit in the exam, many things will be there which you might not be aware about, right? And you should be aware about when you are going to appear for this September exam. You should be aware about that. What kind of pattern of the paper is there? Teachers, they are explaining nowadays, they are telling you the questions accordingly. So better to attend the classes, right? Be regular in your, don't miss even a single period of a single day. Only then you will be able to crack the paper. Otherwise, mushkil ho jayegi aapko. MCQs, standalone, match of the following columns, ye wo, filling the blanks, assertion reasoning, case study. Every type is different for you, so better to attend your classes. This I was telling you. ठीक है कृष्णा, आप पूछ रहे थे कैसा पैटर्न आना है. कुछ MCQs होंगे जैसे कि ऑलरेडी हम करते हैं विथ फोर ऑप्शंस, उसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग्स भी हो सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग कैन बी देयर. असर्शन रीजनिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड अकॉर्डिंगली, यू नो, राइट? एंड देन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, राइट? चलिए लेट अस स्टार्ट विथ सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम एरिया रिलेटेड टू सर्कल. In the given figure, there are three semicircles. One is this. Another is this. And third one is this. One circle is there. Semicircles. Just a minute, wait. This is the figure. What he says that there are three semicircles A, B, C. Three semicircles name kiya hua hai semicircles ko. This is semicircle A. This is semicircle B. And this is C. Semicircles A, B, C having diameter 3 cm each. Iska bhi diameter 3 cm hai. Iska bhi 3 cm hai. Iska bhi 3 cm. Three semicircles. Each having diameter 3 cm, and there is a circle D. This is a circle D, which is having diameter 4.5. ये थोड़ा सा इससे नीचे वाले सर्कल से बड़ा है. लग ऐसे रहा है कि इसके जैसी है इसकी रेडियस. डायामीटर 4.5. Right? We want to find the area of the shaded region taking pi is equal to 3.14. See, as far as shaded region is concerned, this is unshaded. Shaded region के लिए what we people do, इस सेमी सर्कल में से जो बड़े वाला सेमी सर्कल है, इसमें से दो सेमी सर्कल्स, this is सेमी सर्कल A, another is सेमी सर्कल C, इसका एरिया माइनस होगा, and one दिस सर्कल डी सर्कल, इसका एरिया माइनस होगा. तो आपके पास ये शेडेड बन जाएगा, आ जाएगा. नीचे वाला भी शेडेड है, इसका मतलब वी विल एड एरिया ऑफ सर्कल बी, सेमी सर्कल बी. सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल. अब मुझे ये बताओ, ये जो सेमी सर्कल है, बड़े वाला सेमी सर्कल,
इसका डायामीटर कितना है? 9 होगा ना, 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9, तो रेडियस कितनी हुई इसकी? 4.5. एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 4.5, ठीक है, माइनस, अब ये जो सेमी सर्कल्स हैं इनका डायामीटर सेम है, इसका मतलब रेडियस भी सेम होगा, तो मैं 2 टाइम्स करके लिख दूं, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस कितनी? 1.5. दो सेमी सर्कल्स हैं, रेडियस दोनों की सेम है, रेडियस 1.5. दैट इज टू बी एडेड, वो शेडेड है, हमें शेडेड पोर्शन का निकालना है. तो ऊपर वाले में से पहले देखें क्या क्या सब्ट्रैक्ट होगा. एक ये सब्ट्रैक्ट हुआ, एक ये सब्ट्रैक्ट हुआ, और क्या सब्ट्रैक्ट होगा? सर्कल का एरिया, राइट. व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? डायमीटर इज 4.5, रेडियस इज 4.5 ओवर 2, माइनस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2.25, ऊपर वाला हिस्सा आ गया सबका, प्लस ये, प्लस एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 1.5. ये सारी कैलकुलेशंस जब आप करोगे देन यू विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. हां जी विनीत, एनी डाउट? ऐड क्यों किया? सेमी सर्कल, सॉरी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, दिस इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस 4.5, 1/2 pi r² ठीक है. अब इस इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल रेडियस 1.5 प्लस 1 टाइम एरिया ऑफ सेमी सर्कल रेडियस 1.5 प्लस माइनस माइनस, इट विल बिकम माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 1.5. ये मैंने दोनों को इकट्ठा कर लिया, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2.25. इसको सॉल्व करो, दिस इज 1/2, 3.14 इंटू 4.5 स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल रेडियस 1.5, दिस इज 1/2 इंटू 3.14 आर स्क्वायर 1.5 स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल 3.14 इंटू 2.25 होल स्क्वायर. मेक द कैलकुलेशन इजी, 3.14 आप कॉमन ले सकते हो, इट विल बी 4.5 स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1.5 स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2.25 होल स्क्वायर. आफ्टर सॉल्विंग आई एम राइटिंग द आंसर, यू विल गेट इट टू बी 12.36375 फाइनल आंसर, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. द फाइनल आंसर आफ्टर कैलकुलेशन यू विल बी गेटिंग 12.36. ये डायामीटर है 3, तो रेडियस 1.5 ही होएगा, नहीं? चलिए आ जाओ, नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर दिस इज ए बी सी डी दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज गिवन टू बी 8 बी सी इज 10 दिस इज 10 दिस इज ऑल्सो 10 वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर राइट
Now, the area of this paper, if we see, it consists of this semicircle and this part of the figure. We don't know that what is the shape of this part of the figure. Join this AD. AD join ho gaya. As these two lines, they are parallel, distance between the parallel lines remains the same. So AD bhi kitna hoga? 10. Hame ye wala area find karna hai yahan pe. AD bhi hamare paas 10 ho gaya. Right? अब इस एरिया में एक तो ये सेमी सर्कल का एरिया जाएगा, इसका डायमीटर कितना है 10, रेडियस कितना हो गया 5, सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा. नाउ दिस शेडेड एरिया विल बी, नाउ यू सी दिस फिगर एबीसीडी ऑल साइड्स इक्वल, इट कम्स आउट टू बी अ स्क्वायर. एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. पाइथागोरस थ्योरम से इसका बेस निकालेंगे पहले, तो लिखती हूँ, राइट डाउन. Area of shaded portion is equal to area of semicircle with diameter 10, ठीक है, plus area of ABCD minus area of triangle. Let us take it to be O, AOD. So I have written the line of action. Area of semicircle with diameter 10 plus area of ABCD square minus area of triangle OAD. As Keshav Rikhi is telling that when you will find base of this triangle using Pythagoras theorem, you will get it to be 6. Base 6 aa jayega Pythagoras theorem se, theek hai? So yahan pe aapke paas kya banega? Semicircle with diameter हाफ इंटू पाई 5 स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया 10 स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर टू बी 115.29. आंसर विल बी 115.29. Next question. Find the difference of the areas of two segments of a circle formed by a chord of length 5 cm. There is a circle and a chord whose length is 5 cm. Which subtends angle 90 degree at the center. Subtends angle 90 degree at the center. Length of the chord is given 5 cm. Right? And it is subtended angle 90 degree at the center. We want to find the difference between the area which in which the chord is dividing the circle. That means two segment, minor segment and major segment ka area nikal ke hum dono ka kya find karna hai? Difference find karna. So yahan pe sabse pehle ab ek cheez ka dhyan rakho, when we are talking about minor segment and major segment, that means we need the radius and theta. Hame radius and theta dono chahiye, theek hai? So what is this radius? This is r. राइट अब अगर हम इस आर की वैल्यू को अगर देखें ध्यान से, तो दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. व्हेन वी पुट इट ऑन द वर्टेक्स, आप ये भी कह सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री पे. आप पाइथागोरस थ्योरम से भी आर की वैल्यू निकाल सकते हो ना. बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. अगर हम आर की वैल्यू रेडियस की निकालना चाहें, as this is a right angle triangle, I can use Pythagoras theorem here. कैसे? Base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. Isosceles को छोड़ भी नहीं अगर, तो ये right angle triangle भी तो बन रहा है ना. तो चाहे एक साइड गिवन है, हम Pythagoras तो यूज कर ही सकते हैं ना.
तो रेडियस नहीं चाहिए, रेडियस तो चाहिए ना, सो उसके लिए ये चीज हमें करनी पड़ेगी. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ओवर 2, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12.5. सो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12.5. इसका टू, हाँ जी, 2r इज इक्वल टू 5 कैसे लिखते हैं? आर स्क्वायर 2r स्क्वायर बनेगा. स्क्वायर स्क्वायर तब कटता है जब पूरा स्क्वायर हो, ऐसे थोड़ा. आप ऐसा करो, हमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए, r स्क्वायर ही रहने दो क्योंकि इसमें r स्क्वायर यूज हो जाना है. ठीक है, let us be as r square, right? So हमें find क्या करना है, he says find the difference of the area of the two segments of a circle formed by the chord. Difference of the areas of the two segment. इस chord ने दो segment बनाए हैं circle के, one is the minor segment, another is the major segment, right? So first of all let us find the area of the minor segment. Area of minor segment. आर स्क्वेयर पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है, थीटा 90 डिग्री, माइनस साइन 90 बाय 2 सीधा लिखने लगी हूँ 45, कॉस 90 बाय 2 दिस इज 45. आर स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास है 12.5, दिस इज 4. This is 1 by root 2, right? So this will be, so jaldi calculation saath saath karo, 1.57 or 2 minus 1 by 2, this will be 12.5 into 0.57 over 2. ठीक है, इसको भी ऐसे रहने दो, बाद में देखते हैं क्या होगा. दिस इज द एरिया ऑफ विच सेगमेंट, माइनर सेगमेंट. नाउ यू वांट टू फाइंड एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट. मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है? सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो. पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 12.5. पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट. सॉल्व इट इंटू 12.5 माइनस 12.5 इंटू 0.57 ओवर 2. लेट अस टेक 12.5 एज कॉमन. हाँ हाँ अच्छा, मेजर सेगमेंट में से माइनस कर दें तो हमारे पास 2 टाइम्स हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. राघव यही कह रहा है कि अगर आप इसको कैलकुलेशन मत करो, ये हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया हो गया. ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. जब हम माइनस करेंगे नीचे से फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, 2 कैंसिल हो जाएगा. कैलकुलेशन को इजी बनाने का तरीका है. दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मत करो इसको सॉल्व, ऐसे ही रहने दो. ठीक है, हमें दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है. नेचुरली हमें पता है कि अगर सर्कल दो हिस्सों में डिवाइडेड है, वन इज अ माइनर सेगमेंट, अनदर इज अ मेजर सेगमेंट, देन एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट इज बिगर देन दैट ऑफ माइनर सेगमेंट. सो जब डिफरेंस फाइंड करना है, दिस एरिया माइनस दैट एरिया. चलो लेट अस डू. सो डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू 3.14 इंटू 12.5 माइनस 12.5 इंटू 0.57 ओवर 2 माइनस दिस. That means 12.5 into 0.57 over 2. Minus minus plus, this becomes 2 times. 2 and 2, 2 times 2 ho jata hai, add karke 4, this is 2 times. So this will be 3.14 into 12.5. 2 times 12.5 into 0.57 over 2. This 2 and 2 get cancelled. Now you can solve and get the answer.
moreover 12.5 taken as common. Andar bacha 3.14 minus 0.57. So this is 12.5 2.57. Do the multiplication, we get the answer. रेडियस निकालनी पहले हमारे लिए जो है वो जरूरी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर आर गिवन. These are the two concentric circles. इस तरह से यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा बुक से. ये रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज गिवन टू बी 21 एंड दैट ऑफ द लार्जर सर्कल इज गिवन टू बी 42. स्मॉलर सर्कल की रेडियस हमारे पास 21 एंड लार्जर सर्कल की रेडियस 42. दिस इज द शेडेड रीजन विच इज टू बी फाइंड. Shaded region which is to be find out. अब देखो जरा ध्यान से. सबसे पहले तो अगर हम इस पूरे पार्ट का एरिया निकालना चाहें, इस पूरी डिस्क का, तो एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल, पूरा एरिया आ जाएगा. उसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा? ये एरिया. हाँ, एंगल इज गिवन. हाँ, एक मिनट. एंगल इज 60 डिग्री गिवन. यही तो देखना है हमें. देखो ध्यान से. पहले तो ये डिस्क पूरी निकलेगी, आउटर सर्कल्स एरिया माइनस इनर सर्कल्स एरिया, ठीक है. उसमें से हमें इसको माइनस करना है. और ये क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर सी ओ डी, राइट ना? क्या एबीसीडी? क्या फोर्स? मेरे को बात ही नहीं समझ आ रही. क्या कह रहे? क्यों सेक्टर की नहीं? ये तो पूरा सेक्टर ही बन रहा है. इस पूरे सेक्टर में से ये वाला सेक्टर माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा, ये वाला हिस्सा. हाँ, तो ये क्वाड्रिलेटरल आर्क है. अच्छा, ये ऐसी फोर साइडेड फिगर भी आजकल क्वाड्रिलेटरल हो गए. दिस इज अ पार्ट ऑफ द डिस्क. ये जो बचेगा ये वो पार्ट है डिस्क का जो हमें नहीं चाहिए. तो हम डिस्क के एरिया में से इस पार्ट को क्या कर देंगे? माइनस. देखो जो बुक में क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आई थिंक यही एरिया फाइंड करने के लिए बोला हुआ है ना, ये वाला शेडेड एरिया. उसमें उसने ये वाला नहीं फाइंड करने के लिए बोला. ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा उससे एक स्टेप आगे है. दैट वी हैव टू फाइंड दिस एरिया. तो इसके लिए मैं लिखती हूँ साथ साथ ताकि आपको पता चले. हाँ, क्या? हाँ, मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर कर लो चाहे. मेजर सेक्टर के एरिया में से दोनों मेजर सेक्टर्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लो तब भी ठीक है. बिल्कुल ठीक कह रहा राघव कि आप इस ये मेजर सेक्टर निकाल लो, ठीक है. उसके बाद ये वाला मेजर सेक्टर निकाल लो, बाहर वाले मेजर सेक्टर में से अंदर वाला मेजर सेक्टर माइनस कर दो. यू विल रीच टू द डिस्क, रिमेनिंग डिस्क, ठीक है. जैसे मर्जी कर लो. द मेथड्स आर, हाँ, मेथड्स आर डिफरेंट बट द आंसर इज सेम एंड द लॉजिक इज सेम. लॉजिक इज बोथ आर लॉजिकल, ठीक है. राघव इज सेइंग कि आप पहले ये वाला बड़े वाला सेक्टर निकालो, मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, ठीक है. फिर आप ये छोटे वाला मेजर सेक्टर निकालो, ये वाला. बड़े वाले मेजर सेक्टर में से जब छोटे वाला मेजर सेक्टर माइनस होगा तो नेचुरली यू विल बी लेफ्ट विद दिस मच दिस. इज इट ओके? नहीं पता चला विनीत?
चलो सो राइट डाउन एरिया ऑफ, ये ज्यादा इजी है जो राघव ने बोला है, मेजर सेक्टर विद रेडियस 42. अब मेजर सेक्टर में हम थीटा क्या लेते हैं, 360 माइनस थीटा. तो आप सीधा लिख लो यहाँ पे 360 माइनस 60 ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 360 माइनस 60 ओवर 360 इंटू पाई. यहाँ पे पाई 42 आएगा, आर 42 आएगा और यहाँ पे आर 21. तो ये बन जाएगा 300 ओवर 360 पाई कॉमन. इन साइड इट इज 42 स्क्वेयर माइनस 41 स्क्वेयर. सॉल्व इट, यू द आंसर विल बी 3465. This is 21. Next question. Question number 10. ठीक है, clear है? In our book, this much area is to be find out, and we do the subtraction like major sector, minor sector. Both minor sectors are subtracting from one another, and to find the area of the upper part, both the major sectors are to be subtracted. Right? Next. In the given figure, four semicircles of equal radii. There are two big semicircles like this and this. Two big semicircles. And four small semicircles. Two big semicircles and two small semicircles. Four semicircles of equal radii, two big. ये इनकी radius जो है, इनका जो diameter है, this is given to be 42 सेंटीमीटर. जो बड़े सेमी सर्कल्स हैं, देयर डायामीटर इज 42 सेंटीमीटर. और इन्हीं के बीच में फोर इक्वल सेमी सर्कल जो हैं, वो डिवीजन हुई है. तो इसका मतलब सबको बराबर का हिस्सा मिला होगा. तो दिस विल बी हैविंग डायमीटर 21, दिस इज हैविंग 21, दिस इज 21 एंड दिस इज 221. बट वी वांट टू फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. दिस मतलब कि जो भी हम करेंगे उसको टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज बोथ द फिगर्स आर, बोथ द पार्ट्स आर आइडेंटिकल. सो अगर हम इस एरिया की बात करें जो इधर वाला शेडेड है, सबसे पहले हम इस सेमी सर्कल में से ये छोटे वाला सेमी सर्कल क्या कर देंगे, माइनस. ठीक है? हाँ हाँ, वो बस जब माइनस करेंगे काट जाएगा, तो लिखना तो पड़ेगा ना. चलो हाँ, आप शॉर्टकट लिखना है ही नहीं. ठीक कह रहा है राघव कि हमें लिखना नहीं है तो हम क्यों इन सब चक्रों में पढ़ें. सीधी सी बात है, जब हम इस सेमी सर्कल में से ये वाला सेमी सर्कल माइनस करेंगे और ये वाला सेमी सर्कल ऐड करेंगे तो कट हो जाएगा दोनों. लिख के बताते हैं, एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल. आपने तो ऑर्गली कर लिया, बच्चों को नहीं समझ आ रहा राघव. माइनस, अदरवाइज हमें ऐसे ही करना है पेपर में, टाइम सेव करना है. एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 21, ये माइनस हुआ, प्लस ये फिर ऐड भी होगा. एरिया ऑफ सेमी सर्कल
ये सेम चीज है, ए प्लस के साथ एक माइनस के साथ गेट कैंसिल। बचा क्या? एरिया ऑफ द बिगर सेमी सर्कल, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? टू से, बिकॉज वट एवर वर्क इज गोइंग ऑन दिस पार्ट ऑफ द फिगर सेम विल बी डन इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द फिगर। टू टाइम्स एरिया ऑफ द बिगर सेमी सर्कल विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given figure, ABCD is a trapezium. In the given figure, ABCD is a trapezium whose area is equal to 24.5 centimeter square. Area of the trapezium, it is given to be 24.5 centimeter square. Angle DAB, it is given to be 90 degree. Angle DAB is 90 degree. AD, value of AD is 10 centimeter. This value of AD, this is 10 centimeter. And value of BC, this is given to be 4 centimeter. ABE is a quadrant of the circle with center A. यहाँ पे एक quadrant describe किया गया, एक circle का, जिसका center EA माना गया. Right? We want to find the area of this shaded region. See, to find the area of this shaded region out of the full trapezium, this quadrant is to be subtracted. Agree? पूरे trapezium के area में से हमें quadrant को subtract करना है. Trapezium का area हमारे पास है, और ये जो quadrant है circle का, quadrant का area में पता है 1 by 4 pi r square होता है. उसके लिए हमें radius चाहिए. Radius क्या होती है? Center से circumference का distance. This is the center, this is circumferential point, AE. और या फिर आप कह दो दिस इज अ सेंटर, दिस इज सर्कमफेरेंस पॉइंट ए बी. ए ई एंड ए बी दे विल वर्क एज रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट. अगर हमारे पास ऐसे क्वाड्रेंट है एक जिसका सेंटर ओ है, तो रेडियस क्या आएगी? ओ ए या ओ बी. सिमिलरली उल्टा रखा हुआ है क्वाड्रेंट, तो रेडियस क्या आएगी? ए बी या ए ई. इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड व्हाट? ए बी. हमें ए बी चाहिए होगा ताकि क्वाड्रेंट की रेडियस आ जाए, क्योंकि रेडियस के बिना हम क्वाड्रेंट का एरिया नहीं फाइंड कर पाएंगे, और क्वाड्रेंट के एरिया फाइंड किए बिना हम शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड नहीं कर पाएंगे. सो रेडियस फाइंड करने का तरीका क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें गिवन, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिस इज 24.5. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, जस्ट अ मिनट वेट, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स आई एम टेकिंग इट टू बी ए बी 24.5. You will solve it and you will get it to be 3.5. AB की वैल्यू आपके पास 3.5 आ जाएगी. तो क्वाड्रेंट का रेडियस कितना आ गया? 3.5. तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस क्वाड्रेंट. राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट विद टुडेज लेक्चर. विल कंटिन्यू टुमारो.